सलामुन अलैकुम नाजरीन, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नुसरत फातिमा आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ हमारे शो फूड डायरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, लेकिन अगर हम उसे सही मेकदार में अपने खानों के साथ या अपने स्पाइसिस के साथ यूज़ करें तो वो मैजिकल हो जाता है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ लेमन यानी नींबू की। नींबू अपने आप में ही एक अलग जायका रखता है और इसका फ्लेवर काफ़ी तुर्श यानी खट्टा होता है। जायके के अलावा क्या आप जानते हैं कि नींबू के कितने अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे नरिशिंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, फोलिक एसिड, जिंक, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स। तो आइए अब हम देखते हैं नींबू के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों का मौसम आ चुका है और ये बात हम सबको पता है कि गर्मियों में हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की कितनी ज़रूरत है। हाइड्रेटेड यानी हमारी बॉडी में पानी की मिकदार अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ पानी पीना काफ़ी है? क्या आप जानते हैं कि जब हम स्वेट करते हैं तो पानी के साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से निकल जाते हैं? तो नींबू पानी का एक बहुत ही अच्छा साथी है। अगर आप लेमन वाटर गर्मियों के मौसम में कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी से जो निकले हुए इलेक्ट्रोलाइट्स है वो वापस रिप्लेनिश हो जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि गर्मियों के मौसम में सिर्फ पानी नहीं, नींबू पानी पीने से आपकी हेल्थ और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि नींबू इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा क्योर है? तो अगर आपको इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है या अगर आपका लंच या डिनर हैवी हो गया है तो खाना खाने के बाद आप एक ग्लास नींबू पानी कंज्यूम कर सकते हैं और उसे और रिफ्रेशिंग बनाने के लिए कुछ मिंट लीव्स और सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी इनडाइजेशन की तकलीफ दूर हो जाएगी। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि नींबू हमारी डेंटल केयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है? अगर आपके दांतों में दर्द है या आपके मसूड़ों में सूजन है तो आप नींबू का रस अपने मसूड़ों पर मसाज कर सकते हैं, इंशाल्लाह इससे आपको राहत मिलेगी। वो अफराद जिन्हें दांतों की तकलीफ है या मसूड़ों की सूजन की वजह से बैड ऑडर की शिकायत है, उनके लिए एक छोटी सी टिप। एक ग्लास पानी में एक चम्मच नींबू का रस डालकर दिन में 2 बार गार्गल करें, इंशाल्लाह इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नींबू का इस्तेमाल ना कि सिर्फ गिजा के तौर पे, बल्कि कॉस्मेटिक यूज़ में भी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। वो अफराद जिन्हें डैंड्रफ या हेयर लॉस की शिकायत है या वो लोग जो चाहते हैं कि उनके बालों में एक नेचुरल शाइन आए, उनके लिए एक छोटे से टिप। नहाते वक्त हेयर वॉश के लिए एक चम्मच नींबू का रस अपने पानी में डालें या फिर नींबू के रस को डायरेक्टली अपने स्कैल्प में लगाकर वॉश कर लें। इससे इंशाल्लाह आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके बालों को एक नेचुरल शाइन मिलेगी। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि नींबू में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है? तो वो अफराद जिन्हें गर्मियों के मौसम में नोज़ ब्लीडिंग की तकलीफ है, वो नींबू के रस में कॉटन बॉल को डिप करके अपनी नोज़ ब्लीडिंग की तकलीफ को रोक सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नींबू में विटामिन सी की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो लोग जिन्हें अस्थमा की तकलीफ है, रिसर्च ने ये प्रूफ किया है कि 1 वाटर या 1/2 लेमन रोज लेने से इंशाल्लाह उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रहेगा। नींबू में बहुत ज़्यादा मिकदार में पोटेशियम पाया जाता है जो हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अफराद जिन्हें मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है या जो चाहते हैं कि उनके पैरों के दर्द को इंस्टेंट रिलीफ मिले, तो वो एक टब गर्म पानी में एक नींबू का रस शामिल करें और उसमें अपने पैर रखें, इंशाल्लाह इससे उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नींबू के रस की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये उन अफराद के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या गर्मी की वजह से जिन्हें डिजीनेस या नौजिया फील होता है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने डाइट में नींबू शामिल करें। वो अफराद जिन्हें अनीमिया की तकलीफ है या वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी बॉडी में आयरन के लेवल्स हाई रहे, वो आयरन रिच फूड्स के साथ विटामिन सी रिच फूड्स जिनमें से एक नींबू भी है वो अपनी डाइट में शामिल करें, तो इंशाल्लाह अनीमिया की तकलीफ से दूर रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि नींबू को अपने डाइट में इंक्लूड करने से आप किडनी स्टोन्स की शिकायत से दूर रह सकते हैं? अगर आपकी बॉडी में स्कार्स, रिंकल्स या ब्लैकहेड्स की तकलीफ है तो नींबू के कंजम्पशन से आप इन सब तकलीफों से दूर रह सकते हैं। वो हजरात जो वेट कंट्रोल करना चाहते हैं या वो लोग जो वेट लूज करना चाहते हैं, उनके लिए नींबू एक बहुत ही मैजिकल फूड है। सुबह उठते साथ एक ग्लास गुनगुने पानी में एक चम्मच रोहानी और एक चम्मच नींबू का रस डालने से आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे और आपको वेट लॉस करने में काफ़ी मदद होगी। तो ये थे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स लेमन के। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए फूड के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।